पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये नामुमकिन है। वो नहीं जानती कि इस मिलाप का मतलब क्या है। महलों से निकलकर झोपड़ों में रहना, स्टेज से उठकर कांटों में सोना को मजाक नहीं है। ये दास्तां है एक बहुत ही मजे हुए कलाकार की, जिनका नाम है नाजिर हुसैन। खामोश! तुम्हारी इतनी चिरत! अगर मैं बदला लेना चाहूं तो अपने एक इशारे से तुम्हें खाक में मिला सकता हूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतनी सजा काफी है कि तुम यहां से चली जाओ। जन्म हुआ इनका 15 मई सन 1922 में। जन्म का स्थान बताया गया उसिया। हालांकि इनका गहरा ताल्लुक रहा गाजीपुर के साथ, उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां से बड़े बड़े प्रतिभावान लोग निकले। नाजिर हुसैन साहब ने फिल्मों में बड़े जबरदस्त किरदार निभाए, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा रहा या फिर कलर सिनेमा। बच्चों की कोई जात पात नहीं होती शिबू, सब भगवान के बेटे होते हैं। ये बात भी कम लोग जानते हैं, ये आजाद हिंद फौज का हिस्सा भी थे। इनकी दास्तां अपने आप में बड़ी निराली है। इनके वालिद शहाबजाद खान रेलवेज में गार्ड की नौकरी किया करते थे। नाजिर हुसैन साहब का बचपन बीता लखनऊ शहर में। ये खुद भी रेलवेज में बतौर फायरमैन काम कर रहे थे, और तब वो मोड़ आया जिसने पूरे संसार की शक्ल बदल दी। सब दरवाजे बंद हो गए। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ये ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बने। मलेशिया और सिंगापुर में इन्हें तैनात किया गया, जहां पर इन्हें पकड़ा गया और बतौर युद्ध बंदी रखा गया। किसने ये खत लिखा? किसी ने भी लिखा हो, आप सिर्फ इतना बताइए कि ये बात सच है या झूठ। जब ये आजाद हुए तब ये सुभाष चंद्र बोस से बड़े मुतासिर हुए, और इन्होंने मन पक्का कर लिया कि अब ये आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने रहेंगे। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गिने जाते हैं। क्या कहा आपने? जी हाँ, जी हाँ। आजाद हिंद फौज के बाद इनके लिए नौकरी पाना बड़ा कठिन था, और तब इन्होंने बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स में बतौर एक्टर काम करना शुरू किया। जिम्मेदारियाँ सचमुच इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। मेरे ख्याल में लड़का समझदार है। कलकत्ते शहर में इन्होंने रंगमंच पर खूब काम किया, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई बिमल रॉय साहब से। ये चाहते थे कि बिमल रॉय साहब इनके आजाद हिंद फौज के अनुभव पे आधारित फिल्म बनाए, पहला आदमी, और ये फिल्म मुकम्मल हुई, जिसकी कहानी और डायलॉग्स नाजिर हुसैन साहब ने लिखे। किसने गलत नहीं कहा। फिल्म रिलीज हुई सन 1950 में, और उसके बाद ये बिमल रॉय साहब की फिल्मों का एक बड़ा ही अनोखा हिस्सा बन गए, चाहे वो दो बीघा जमीन रही, कि देवदास, या फिर नया दौर। डैडी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैंने रिहर्सल भी तो ठीक से नहीं की थी। बेटी, रिहर्सल तो अनाड़ी करते हैं। नाजिर हुसैन साहब बड़ी अच्छी उर्दू तो बोला ही करते थे, लेकिन जिस तरह के हाव भाव ये अपने चेहरे पर ले आते, वो आज भी बड़े से बड़े अभिनेता के लिए बहुत कठिन माने जाएंगे। नाजिर हुसैन साहब ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन इन्होंने जब भोजपुरी सिनेमा की तरफ रुख किया तो भोजपुरी सिनेमा की तस्वीर बदल के रख दी। ये भोजपुरी सिनेमा के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। हाँ हाँ, देखिए आइएगा जरूर, मैं परसों आपका इंतजार करूंगा। अच्छा, नमस्ते। इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करी जैसे कि हमार संसार, और इस बात पे भी गौर करना होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बड़ी लंबी चर्चाएं की। तूने जो कुछ सुना बेटा, इसका जिक्र किसी से मत करना। अपनी माँ से नहीं, सरिता से नहीं। क्यों मामा जी? मैं जो कह रहा हूँ बेटा, नहीं करना। चल। हर दौर के सुपरस्टार के साथ ये काम कर रहे थे। इन्होंने फिल्में डायरेक्ट भी करी तो प्रोड्यूस भी करी, फिल्में लिखी भी, चाहे वो अमीर आदमी का किरदार था या फिर गांव का सीधा साधा इंसान, हर किरदार को इन्होंने बखूबी निभाया। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया क्या? तुम भी चाहती हो सरिता की किस्मत उस कंगाल के हवाले कर दी जाए? लेकिन लड़का तो बुरा नहीं है। बुरा तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं मैं उस ड्राइवर को अपना दामाद बना लूंगा। नाजिर हुसैन साहब ने मुंबई शहर में बहुत शोहरत देखी, और 16 अक्टूबर सन 1987 वो तारीख बनकर आई जब इनका इंतकाल हो गया। भारतीय सिनेमा से एक बहुत बड़ा कलाकार ये दुनिया छोड़ चल बसा। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। 20 साल पहले तब मेरे पास सिर्फ तन ढापने के लिए कपड़े थे, और अब इतनी दौलत है कि हिसाब रखना भी मुश्किल है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।